अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह उठा तो मैंने पंखे वगैरह देखे तो काफ़ी दिन से नोट कर रहा था कि पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं ना, तो क्योंकि सारी सर्दियों में तो चले नहीं है तो उसकी वजह से उस पर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो आज सैटरडे भी था, छुट्टी भी थी और टाइम भी था और मूड भी हो गया कि आज पंखे साफ करते, क्योंकि आगे गर्मी आई तो क्योंकि पंखे काम आने हैं। तो बस आज मैंने अपनी कमर की पेटी बांध ली है तो बस अब चले पिछली करतूते साफ करेंगे। देखिए कितनी मिट्टी यहाँ से गिर रही है, उफ तो ऐसे जैसे कितने सालों से साफ नहीं किया, जबकि हर 6 महीने बाद इसको साफ करते हैं। पिछली करतूते साफ करने के बाद हम इसकी अब अगली करतूते साफ करने लग गए तो कितना गंद निकलता है यार, सारा कपड़े गंदा कर दिया। इसको उल्टा कर लेते हैं ताकि नीचे से जो साफ़ कपड़ा है उससे हम साफ़ कर सकें। तो जी हमने उल्टा कर दिया इसको, लो जी अब हम तो बड़ा स्टार्ट हो गया। साफ़ होने के बाद ही भाई कैसे निखर गया है, कैसे निखर गया, बेहतरीन निखर गया। थोड़ी सी मॉडलिंग भी करा लेते हैं अब हमने दूसरा स्टार्ट कर दिया। लो जी कपड़ा फिर गंदा हो गया, इसको उल्टा कर दिया तो कपड़ा गंदा बड़ा हो जाता है, नाल मेरा मुंह भी निकल जाता है, सारी अखा च पै जी मिट्टी। लो जी असी फिर स्टार्ट करता है, देखो जी पहले तो लट्टू साफ करिए, बाद च तो पिछली करतूता साफ करिए, बेहतरीन किस्म का साफ होता पे अखीर हो गई। लो जी अब तीसरे पंखे की बारी आ गई है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर। लो जी सबसे पहले हम इसकी अगली करतूते साफ़ करते हैं और अब हम इसकी पिछली साफ़ करते हैं। पीछे से अच्छी तरह साफ़ नहीं हुए तो वो बड़ी गंदी मिट्टी थी पीछे, ऐसे लग रहा है जैसे पीछे कोई उल्टी जमी हुई है, इसलिए इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। फिर पीछे से करेंगे, फिर हम आगे से करेंगे, फिर समझ रहे हो ना। ऐसा ऐसा साफ होने लगे माशाल्लाह से। देखिए एक बार इसका बेहतरीन साफ हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं थक जाता हूँ तो वह मेरी बस हो जाती है। जो कमर की पेटी बांधी हुई थी उसमें दर्द शुरू हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और फिर मैंने कपड़े को पकड़ के इसको साफ़ करना शुरू कर दिया क्योंकि बिल्कुल नज़दीक लग चुके हैं काम। भाई वाह, रूप आ रहा है बेटे, बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक पंखे भी साफ कर लिए, बस किया कि बाकी छोटे छोटे काम भी तो वो भी कर लिए। इंसान को घर के काम कराते रहना चाहिए क्योंकि ये सुनने तो रसूल भी है कि घर वालों के साथ मुमकिन की मदद करनी चाहिए। बाकी अब ये है कि इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइटम पे जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।